हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप थिंग इज फाइन। वेलकम टू डोंट टच प्रो वंस अगेन। तो आज हम लाए हैं फिर से बात करने के लिए, एंड्रॉयड फ़ोन्स में हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं। तो काफ़ी मेरे को क्वेश्चंस आए कि हीटिंग इश्यूज के बारे में आप वीडियो बनाएं, तो दिस इज़ इट। और अगर आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आपका कोई भी क्वेश्चन, आपका कोई भी डाउट आपके मन में है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप लिखें क्वेश्चन। तो जिस क्वेश्चन की ज़्यादा तादाद आती है उस पर मैं वीडियो बना देता हूँ, अदरवाइज ऑल्सो आई ट्राई टू रिप्लाई। तो जो मैं यूज करता हूँ, तो आज हम बात करने वाले हैं हीटिंग इश्यूज के बारे में, क्योंकि काफी पॉपुलर क्वेश्चन है और काफी लोग सोच रहे हैं कि एंड्रॉयड 10 की अपडेट के बाद हीटिंग इश्यू शुरू हो गए हैं, तो ये क्या मैंने अपडेट कर लिया फोन, गलती कर ली, हीटिंग इश्यू शुरू हो गए, या एज सच आपके फोन में काफी हीटिंग इश्यूज आ रहे हैं कि फोन गर्म हो जाता है गेम खेलने पे, तो क्या सोल्यूशन है? तो इसमें मैं आपको 5-6 सोल्यूशन बताने वाला हूँ जो आपके वर्क करेंगे और आपको हेल्प करेंगे इस मुसीबत से बाहर निकालने में, और आपको एक सुझाव देंगे कि आपको फोन बदलना चाहिए या नहीं। तो पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें। तो पहला आपको बताते हैं कि रीजन क्या ओवरहीटिंग का, होता क्या है। आजकल फोन्स एडवांस हो रहे हैं। कैसे एडवांस हो रहे हैं? प्रोसेसर्स आ रहे हैं बड़े बड़े, मतलब अच्छी कैपेबिलिटी के पावरफुल प्रोसेसर्स फोन में आने लग गए हैं। अब उसके साथ रैम भी बढ़ रही है, 8-8 GB रैम आ रही है फोन्स के अंदर, ये सब कुछ बढ़ रहा है। लेकिन जो फॉर्म फैक्टर है, फॉर्म फैक्टर मतलब जो बॉडी है इस फोन की, इसमें कोई पंखा तो नहीं लग गया, इसमें कुछ ऐसी चीज तो नहीं डाल दी जिससे कूलिंग हो सके, ये जो चीजें हैं पावर ऑफ प्रोसेसर एंड रैम, ये क्या करती हैं? ये आपके फोन को पावरफुल बनाती हैं, लेकिन जब ये यूज होती हैं तो हीट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन बॉडीज पतली होती जा रही हैं फोन की, तो वहां पर ऐसा कोई सिस्टम बना नहीं रही है कंपनीज, तो उसकी वजह से हीटिंग आती है। तो ये सबसे बड़ा कारण है कि टेक्नोलॉजी बढ़ तो रही है लेकिन कुछ ऐसा सोल्यूशन नहीं हो रहा। हाँ, कुछ मॉडल्स आ रहे हैं, आपने देखा होंगे फ्लैगशिप में, जो कि अभी इतने कॉमन नहीं है कि वो कूलिंग के सिस्टम से बीच में डाल रहे हैं, बट एज सच हम बात कर रहे हैं मिड रेंज फोन्स की, जैसे सैमसंग M30s, इसमें भी काफ़ी अच्छे प्रोसेसर आ गए हैं ताकि आप गेमिंग कर सकें, काफ़ी मल्टीटास्किंग कर सकें, लेकिन इन फोन्स में आपको कूलिंग के लिए कुछ नहीं मिलता, तो ये ओवरहीट होते हैं। तो ये कारण है ओवरहीटिंग का। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको इससे हैंडल करना है। सबसे पहले जो देखा गया है, सबसे बड़ा कारण, आप खुद पूछें कि आप कितने देर लगातार फोन को यूज कर रहे हैं। आपका फोन कंप्यूटर नहीं है, कंप्यूटर में आपके पास पंखे होते हैं, लैपटॉप में आपके पास पंखे होते हैं कूलिंग करने के लिए, उसको आप लगातार चला सकते हैं, लेकिन अगर आप फोन चलाएंगे इस तरह से तो उसमें भाई साहब आपके पास पंखा नहीं है, यू डोंट हैव फैन टू कूल इट डाउन, तो वो ना होने की वजह से ओवरहीटिंग होती है। तो सबसे पहला कारण ओवरहीटिंग का आपके फोन का कोई सॉफ्टवेयर का अपडेट या वो कुछ नहीं है, सबसे बड़ा कारण है आपका यूसेज। आप चेक करें कि आप कैसे यूज करते हैं। तो जब ये दो आपके पास सिनेरियोज है, मतलब दो आपके पास चीजें हैं, एक तो आपका फोन नया है, तो जो नए फोन वाले हैं वो थोड़ा ज्यादा यूज कर पाएंगे क्योंकि नया हार्डवेयर है, नया प्रोसेसर है, नई रैम है, तो उनके लिए जिनका नया ही फोन है उनके लिए मैं एडवाइस करूंगा कि हर 2 घंटे लगातार फोन यूज करने के बाद आधा घंटे का फोन को रेस्ट करें। रेस्ट का मतलब है ये नहीं है उस पे गाने चला दें गेम खेलने के बाद, रेस्ट का मतलब है उसको ऐसे रेस्टिंग मोड पे डाल के रख दें, समझ आया आपको? हर 2 घंटे बाद आधे घंटे के लिए, तब ये आपका हीटिंग ओवर यूज वाला जो इश्यू की वजह से हीटिंग हो रही है वो ठीक होगी, और ऐसा आप करेंगे तो लाइफ बढ़ेगी आपके फोन की। और अगर आप थोड़ा पुराना हो गया आपका फोन, तो पुराने फोन में पुर्जे भी पुराने हो जाते हैं, तो उनके लिए ये जो मैं चीज बता रहा हूँ ये ऑटोमेटिकली घट जाती है। 2 घंटे की जगह आप 1 घंटा फोन चलाने के बाद आधा घंटा उसको आराम दें, ऐसे चलाते रहेंगे आपका फोन की लाइफ बढ़ेगी और ये हीटिंग इश्यूज कम हो जाएंगे। तो ओवर यूज पहला कारण है और उसका मैंने आपको सोल्यूशन बता दिया। रेस्ट करवाना है फोन को जिस तरह से मैंने बताया, ऐसे फॉलो करेंगे आपका हीटिंग इश्यूज कंट्रोल होंगे। दूसरा कारण आपको बताते हैं, दूसरा कारण होता है बैटरी। अब वो कैसे आप डिटेक्ट करेंगे? मोस्टली अगर बैटरी में प्रॉब्लम है तो पीछे से फोन, यहाँ बैटरी पिछली साइड होती है तो वहां से हीटिंग ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू फ्रंट साइड। तो अगर आपको ऐसा कारण, इस तरह की हीटिंग हो रही है आपके फोन में, तो दैट मीन्स आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है। तो वो कंफर्म करने के लिए आप बैटरी सेटिंग में जाके बैटरी की हेल्थ जाने, आजकल सभी एंड्रॉयड फोन्स में बैटरी हेल्थ को जानने के लिए अलग से मेन्यू बना होता है, वहां पर आप जाएं सेटिंग्स में, बैटरी हेल्थ में जाएं और देखें कि वहां पर गुड है या नहीं। टेम्परेचर देखें बैटरी का, अगर 40 से ऊपर बैटरी जा रही है तो दैट मींस बैटरी में प्रॉब्लम है। जितने भी आप इंटेंसिव टास्क करते हैं, गेमिंग करते हैं, जो मर्जी करते हैं,
उसमें आपके फोन में बैटरी का टेम्परेचर 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका बैटरी का टेम्परेचर 40 से ऊपर जा रहा है तो दैट मीन्स आपकी बैटरी में प्रॉब्लम है, वो चेंज होने वाली है। तो ये वाला जो इशू है ये पुराने फोन्स में आएगा, नए फोन्स में ऐसा इशू नहीं है। और हाँ, अगर आपके नए फोन्स में ऐसा इशू आ रहा है टेम्परेचर वाला, तो तुरंत वारंटी के अंडर रिप्लेसमेंट करवाएं, ठीक है। तो ये आपका दूसरा कारण मैंने आपको सॉल्व बता भी दिया और सॉल्व भी कर दिया। तीसरा कारण आपको बताते हैं, तीसरा कारण है चार्जिंग से रिलेटेड। अब होता क्या है, कई चार्जिंग का एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, चार्ज आप कहाँ करते हैं फोन। मेरे हिसाब से मेरे सजेशन लेंगे, क्योंकि जब चार्ज करते हैं तो हीटिंग प्रोड्यूस होती है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, दिस इज साइंस, ठीक है। जब आप चार्ज कर रहे हैं उसको, बैटरी में करंट जा रहा है बाहर से, तो वो हीट प्रोड्यूस करती है। अब हमने क्या करना है, उसको कंट्रोल करना है, हीटिंग को बंद तो कर नहीं सकते, चार्ज करना है फोन। तो ऐसी जगह पर फोन चार्ज करें जहां पर ओपन एरिया हो, हवा आती जाती रहे, ऐसी जगह पर उसको। ऐसे नहीं है कि आपने पिल्लों के नीचे रख दिया जहां पर सफोकेशन है और चार्जिंग पे लगा दिया, उसमें ओवरहीटिंग होगी, प्रॉब्लम आ सकती है, बैटरी भी डैमेज हो सकती है। तो तीसरा मैंने आपको कारण बताया है, ये जहां पे आपने चार्ज करना है वो ढंग का एनवायरनमेंट हो, खुली हवा है, बैटरी है तो एसी वाला रूम है, वहां पर चार्ज करें ताकि ओवरहीटिंग चार्जिंग की वजह से ना हो। इसमें एक और बात है, नए फोन्स में तो कोई दिक्कत नहीं, जब पुराना फोन हो जाता है तो चार्जर में प्रॉब्लम आती है, तो वो चेक करते रहें कहीं पिन में तो प्रॉब्लम नहीं है, पिन ठीक से ना लगे हो, तब भी लीकेज होती है तो ओवरहीटिंग होती है। तो ये दोनों चीज़ें आप ध्यान में रखें, ये टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना पड़ेगा कि पोर्ट में तो प्रॉब्लम नहीं है, चार्जिंग वायर में तो प्रॉब्लम नहीं है, चार्जर में तो प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ें खराब हो जाती हैं, तो इनको रिप्लेस कर लें तो आपका हीटिंग इशू बचेगा। अब बैकग्राउंड ऐप्स नंबर चार, ये कम होता है लेकिन अगर आपने बहुत सारी ऐप्स डाउनलोड कर रखी हैं, हर एक को बैकग्राउंड ऐप्स को आपने, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ कैसे आपने बैकग्राउंड ऐप्स को बंद करना है, तो जो आपको जरूरत की ऐप्स नहीं है उसको 24 घंटे अपडेट करते रहना, ये भी हीटिंग इशू है। तो प्लीज बैकग्राउंड, अगर आप इस हीटिंग इशू से निजात पाना चाहते हैं तो बैकग्राउंड ऐप्स जो बेकार की ऐप्स हैं उनको ऑफ कर दें, और उसमें कोई जरूरत नहीं है उसको अपडेट करने की, बैकग्राउंड में बिना बात के आपके फोन की हीटिंग होगी, आपको बैकअप भी कम मिलेगा, फोन स्लो होगा, मजा नहीं आएगा। तो जो फालतू की ऐप्स आपने डाल रखी हैं, जरूरत नहीं है उनको अपडेट, जैसे मैं सोशल मीडिया की ऐप्स कहता हूँ, फेसबुक इंस्टाग्राम, इसमें लोगों ने क्या किया गया होता है, अपडेट होता रहे 24 घंटे तो आपका फोन जाता है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं कैसे करता हूँ सेटिंग, मैंने इनको बैकग्राउंड ऑफ किया होता है, चाहे इंस्टाग्राम है चाहे फेसबुक है, ये जो ऐप्स हैं ये, क्योंकि 24 घंटे कोई ना कोई फोटो डाल रहा है, 24 घंटे कोई ना कोई कमेंट मार रहा है, 24 घंटे आपकी फोटो लाइक्स हो रही हैं। मानता हूँ आपको एक्साइटमेंट होती है, फोटो डाली आपने देखना है, तो उसका इजी है, आपने फोटो डाली, ये बैकग्राउंड करो बंद, जब भी आप फिर आप लॉगिन करेंगे वो रिफ्रेश होगा, तब अपने आप सब कुछ आपको सारे कमेंट, सिर्फ ये फर्क होगा कि आपको हर 15 मिनट बाद वो आपका मैसेज नहीं आएगा कि किसी ने, इसने फलाने ने लाइक कर दिया, उसने कमेंट कर दिया, उसने ये शेयर कर दिया, ये आपको नहीं पता लगेगा जब आप बैकग्राउंड ऑफ कर देंगे। तो उसकी जरूरत क्या है, इससे आपकी कंसर्न जो भी काम करेंगे तो आप एक फिक्स कर लेना कि मैंने 2 घंटे बाद अपना चेक करना है, तो 2 घंटे बाद जब आप लॉग इन करेंगे अपने फेसबुक इंस्टा जिसमें भी, तो वो आपको जैसे ही लॉग इन करेंगे वो रिफ्रेश मारता है, तो जितनी भी चीजों ने, जिसने फलाने ने धमकाने ने जो भी किया आपको दिख जाएगा। इससे क्या होगा, आपका हीटिंग इश्यूज बचेगा, बैटरी बचेगी, बैकअप ज्यादा मिलेगा, फोन का प्रोसेसिंग पावर बढ़ेगी, रैम कम यूज होगी, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब लास्ट चीज है आशिकों के लिए, आशिक काफी ज्यादा बातें करते हैं फोन पे, जब आप कॉलिंग करते हैं और वो सिग्नल भी थोड़ा लूज आ रहा है उसमें और हीटिंग होती है, तो 1 घंटे से ज्यादा वाली अगर आप कॉलिंग कर रहे हैं तो उसको अवॉइड करें। अगर महबूबा नहीं मान रही है तो हेडफोन का यूज करें, क्योंकि हेडफोन के यूज से जो स्पीकर्स वगैरह जो हैं वहां से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो थोड़ी कुछ हद तक कम हो जाएगी, बट ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है इतनी लंबी लंबी कॉलिंग ना करें, ठीक है। इतनी लंबी कॉलिंग करेंगे तो हीटिंग प्रोड्यूस होगी, काफ़ी चीज़ें यूज होती हैं कॉलिंग के टाइम में फ़ोन पे, आपकी बैटरी यूज़ कर रहा है, सिग्नल को पकड़ रहा है, टावर यूज़ कर रहा है, सो मैनी थिंग्स, उससे भी हीट की प्रोडक्शन बढ़ती है। तो लड़कियां भी अगर देख रही हैं तो प्लीज़ कॉलिंग कम करें, ठीक है। ये जब आप फॉलो कर लेंगे चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं तो आपके हीटिंग इश्यूज डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी, इतने लंबे वीडियो में बनाता नहीं, 10 मिनट क्रॉस कर गया, चलो अभी जरूरत था, हीटिंग इशू के बहुत आ रहे थे, अब समर्स भी हैं तो प्लीज़ इनको फॉलो करें। फिर भी आपके में कोई प्रॉब्लम आ रही है, अब मेरे दर्शक काफ़ी हैं, गांव से भी हैं हमारे, किसान भी हैं, यंग बॉयज एंड गर्ल्स भी हैं, कॉलेज जो भी हैं, मैं ट्राई करता हूँ हर एक का क्वेरी का आंसर करने का जो मुझे नॉलेज है,
तो आप बिंदास होकर कमेंट जरूर करें, अपना प्रॉब्लम बताएं फोन्स की, और डेफिनेटली मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ इस तरह के वीडियोस बना के आपकी हेल्प करने की, ताकि शेयर हो नॉलेज और यू नो आप अपडेट होते रहते हैं, तो इससे आपका यूसेज अच्छा होता है। तो काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हो गया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। और ड्रोन लवर्स के लिए नेक्स्ट वीडियो आ रहा है डिटेल का, फिर से एक मीटिंग की है, उन्होंने कुछ अपडेट्स किए हैं ड्राफ्ट में, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। एंड डेफिनेटली एक अनबॉक्सिंग भी हम चाहेंगे नए फ़ोन की हो, तो आप बताएं आप किस फ़ोन की अनबॉक्सिंग और डिटेल रिव्यू चाहते हैं मिड रेंज फ़ोन का, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।